नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ की बात। आपने निमोनिया का नाम तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, निमोनिया जो फेफड़ों का एक गंभीर संक्रमण है जो किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह छोटे बच्चे, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में अधिक देखने को मिलता है। आपको बता दें, निमोनिया तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक या अन्य रोगाणु फेफड़े में प्रवेश करते हैं। इस स्थिति में क्या कुछ करने की जरूरत है, कैसे इस परेशानी से बचा जा सकता है, इस पर हम आज बातचीत करेंगे हमारे कुछ खास मेहमानों से। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर निमोनिया होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, किस कारण से निमोनिया होता है, ये जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपके स्क्रीन पर निमोनिया क्या है। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है, यानी जो हमारे फेफड़ों में संक्रमण होता है ये निमोनिया है, और इसके साथ साथ यह मुख्य रूप से बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है, यानी वायरस और बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हीं के कारण निमोनिया हो सकता है, ये काफ़ी घातक होता है। एलिवोली नामक वायु थैली में सूजन पैदा होती है, ये भी एक निमोनिया का हिस्सा है। निमोनिया रोग छोटे बच्चों को प्रभावित कर सकता है, यानी छोटे बच्चे या फिर ज़्यादा बुजुर्ग लोगों को जो है वो प्रभावित कर सकता है, और हमने देखा भी है किस तरह से ज़्यादातर छोटे बच्चों को जो है वो अपनी चपेट में ले रहा है। अब आपको बताते हैं निमोनिया के कारण क्या हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या अन्य जीव, जैसे हमने पहले भी बताया, इस तरह की चीज़ें जो है वो निमोनिया का कारण बन सकती हैं। वायरस, बैक्टीरिया या फंगस या अन्य जीव जो होते हैं, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना ये भी निमोनिया का कारण हो सकता है, यानी कोई और अगर संक्रमित होता है तो उसके जो कनेक्शन है उसके संपर्क में अगर आप आते हैं तो आपको निमोनिया हो सकता है। फिलहाल अब हम रुक करते हैं हमारे जो आज के खास मेहमान हैं, क्योंकि आज का विषय जो है वो निमोनिया है, और चाइना में भी पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है लगातार निमोनिया की चपेट में काफ़ी सारे बच्चे या फिर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आ रहे हैं। उसकी समानता या फिर उसका जो डिफरेंस है, आखिर एक आम निमोनिया और जो चाइना में इस वक्त निमोनिया की लहर चल रही है, उन दोनों के बीच क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंस है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे जो दो मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नरेश चावला जी हैं, पूर्व प्रेसिडेंट डीएमसी से हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर सलील गर्ग जी हैं, SMI अस्पताल देहरादून से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दोनों डॉक्टर्स, दोनों मेहमान हमारे टीवी स्क्रीन पर हैं, और सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। जी डॉक्टर नरेश जी, आपसे शुरुआत करेंगे आज इस विषय की, क्योंकि आज का विषय निमोनिया है, और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम बुनियादी रूप से निमोनिया को जानने की कोशिश करेंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर निमोनिया होता क्या है, इसके क्या कारण हैं। शीतल, पहले तो मैं अपना टाइटल करेक्ट कर दूं, आई एम नॉट ए पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ डीएमसी, आई एम द सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डीएमसी दिल्ली मेडिकल काउंसिल का, मैं सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट हूं, तो टाइटल गलत नहीं होना चाहिए, प्लीज करेक्ट कर। दूसरा, देखो आपने निमोनिया कहने को एक शब्द है, निमोनिया को न्यूमोनाइटिस कहा जाता है, ज्यादा अच्छी बात है। बेसिकली जो हम सांस लेते हैं तो हमारा सांस पहले ट्रैकिया, पहले नाक से ट्रैकिया से होते हुए फिर हमारी ब्रोंकाई से होते हुए एल्विओलाई में जाता है, जिसको आपने अभी जिक्र किया था ग्राफिक्स में, एल्विओलाई। अगर किसी भी कीटाणु की वजह से, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो फंगस है, और उसकी वजह से अगर उनमें सूजन आ जाती है तो उस बीमारी को न्यूमोनाइटिस या आम जुबान में न्यूमोनिया कहते हैं। उसका मतलब कि उसमें क्या होगा कि पेशेंट को जो हमारी एल्विओलाई है वो जगह है जहां जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन खून के उस पार जाती है, और पूरे शरीर को जो हमारा शरीर चलता है वो ऑक्सीजन से चलता है। आप सोच के देखो, उस चीज में अगर सूजन आ गई तो पूरे शरीर में, पूरे दोनों फेफड़ों में फुल निमोनिया हो गया तो हाल बहुत ही खराब है। अगर कोई एक लोब इन्वॉल्व है या एक साइड इन्वॉल्व है तो दूसरा हाल खराब है। कहने का मतलब, इट इज नॉट ए सिंपल डिसीज, इट इज ए सीरियस डिसऑर्डर, जिससे कि पेशेंट का सब कुछ एकदम खराब हो जाएगा। पेशेंट को तेज बुखार भी हो जाएगा, छाती में दर्द भी होगा, सांस लेने में तकलीफ भी होगी, और अगर एकदम ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो अगर ये वायरस, जैसे कि आपको आपने देव जो बात की कि चाइना में जो वायरस आया हुआ है, चाइना में
N9N2 वायरस आया हुआ है, उससे बच्चे मर मर आ रहे हैं। तो ठीक कहने है, का मतलब निमोनिया को कैन नॉट बी टेकन लाइटली, इट हैज टू बी डायग्नोज वेरी अर्ली, और चाहे अगर पेशेंट खराब है, बच्चा है या बड़ा बूढ़ा है, उसको बहुत जल्दी आईसीयू में एडमिट करके अगर प्रॉपर एंटीबायोटिक जल्दी नहीं मिलेंगे तो ये जानलेवा हो सकता ठीक है। डॉक्टर नरेश जी, थोड़ा सा आपने चाइना वायरस की बात की, निमोनिया की बात की, तो थोड़ा सा समानताएं क्या है आम निमोनिया से, और क्या डिफरेंस है इसमें जो इस तरह की अभी स्थिति जो है वो चाइना में बनी हुई है? देखिए, जो जैसे कि देखो सुनो, जो हमने देखा था COVID-19 में, उसमें भी निमोनिया होता था, उसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन शुरू हो जाती थी। ऑक्सीजन डिप्लीशन का मतलब कि पेशेंट का ऑक्सीजन ड्रॉप करता था, ऑक्सीमीटर पे लोग आपको याद होगा COVID-19 के दौरान और लेके घूमते रहते थे कि मेरा ऑक्सीजन कम हो गया है, हमको कहते थे अगर 90-92 से कम हो गया तो आपको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। सेम वे जो चाइना में आजकल हो रहा है, जो अभी तक हमें खबर है, इट इज ए वेरी डेंजरस वायरस, एंड 1200 बच्चे जहां तक हमें खबर मिली थी कि पर डे एडमिट हो रहे हैं इन चाइना, नॉर्थ चाइना हॉस्पिटल्स। तो अभी पूरी खबर तो नहीं है हमें, लेकिन जितनी खबर है, क्योंकि हम डरते हैं कि हमारे देश में कूद के कब आ जाएगा, तो अभी तक ऐसा कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन डर बकायदा बना हुआ है। उसके लिए रोकथाम के लिए तरीके दूसरे हैं, लेकिन अभी तक कहा जाएगा जो बैक्टीरियल जो निमोनिया होता था वो तो ठीक करना थोड़ा आसान होता था, लेकिन जो ये वायरल निमोनिया है वो तो मतलब कि उससे हम आपकी शरीर की शक्तियां इतनी कम कर देगा कि बंदा सांस ही नहीं ले पाएगा। तो उसके लिए तो सीधा आईसीयू में ट्रीटमेंट है होगा, बच्चे को हो गया, अंडर 5 वाले बच्चे को हो गया तो हाल बहुत ही खराब है, अगर 70 ओल्ड वाले को हो गया, उसको कोई और जिसको कॉमोबिलिटीज हैं उनका हाल और खराब होगा। ठीक है डॉक्टर सलिल जी, आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर सलिल जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ऐसे आमतौर पर कहा जाता है कि छोटे बच्चों में ज्यादातर निमोनिया देखा जाता है, लेकिन क्या एज है, क्या उम्र है जिसमें ज्यादातर जो है ये इफेक्ट कर सकता है, जिस पर ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है? शीतल जी, ये प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है और ये इनफैक्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, निमोनिया हर एज में हर व्यक्ति को इफेक्ट कर सकता है। कॉमन चीज क्या होती है कि जैसे ओल्ड एज में या जो इम्यूनो कॉम्प्रोम है उनमें निमोनिया ज्यादा इफेक्ट करता है और लीथल होता है। सिमिलरली एक्सट्रीम्स ऑफ एज, जब आप बच्चे छोटे हैं और जब आप ओल्डर एज में हैं, तब आपको निमोनिया ज्यादा इफेक्ट करता है। सबके कॉजेटिव एजेंट्स अलग होते हैं। बच्चों में कॉमनली क्या होता है कि निमोनिया होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन कॉमनेस्ट कॉजेज होते हैं, और इनके साथ क्या होता है कि काफी समय के बाद पता लगता है कि इनको निमोनिया हो रहा है, बट अगर सही टाइम पर पकड़ा जाता है और ट्रीट किया जाता है तो 99.9% बच्चे बच जाते हैं। सिमिलरली जो ओल्ड एज में होता है वहाँ हमारे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होते ही हैं। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, एक तो इसके सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, पेशेंट जनरली लिथार्जिक या ऐसे करके आएंगे, खांसी बुखार के साथ नहीं आएंगे, जो कि बच्चों में आप आमतौर पर देखेंगे। दूसरी चीज क्या है कि एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज, समथिंग लाइक डायबिटीज हो गई, किसी को कैंसर है, किसी को और भी एसोसिएटेड CKD वगैरह है, तो इसलिए जो है आपको एटिपिकल बैक्टीरिया, एटिपिकल वायरसेस का ज्यादा प्रचलन होता है, और इसीलिए इन लोगों में हम लोग जो है आज की तारीख में वैक्सीनेशन भी करते हैं। तीसरी चीज ये होती है जो नॉर्मल हेल्दी मेल्स होते हैं उनमें व्हाट वी कॉल आर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ये भी काफी कॉमन होते हैं और ये भी होते हैं, और ये भी सही टाइम पे ट्रीट होने के बाद, इनको सही प्रकार से ट्रीट करने के बाद ये काफी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। अब इन्हीं में काफी वैरायटीज होती हैं, जैसे कि एक्यूट हो गई, फंगल हो गई, या फिर जो है जो वायरल में पर्टिकुलर हो गया, आज की तारीख में वायरल इज सपोज बी मोर कॉमन देन बैक्टीरियल, तो ये वाली जो आपकी वो है ये मैटर करती हैं। और निमोनिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हाँ एक चीज और होती है कंजनाइटल हार्ट डिजीज के साथ, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया वगैरह होता है, अगर उनके दिल में छेद होता है VLD, ALD, PDA या कॉमन वेंट्रिकल या ये सब वाला चीज, जहाँ पे हाई फ्लो सिचुएशन होती है, तो ये भी जब अगर वो साल में 4 बार से ज्यादा अगर हो रहे हो तो हम लोग उसको जो है रिकरेंट निमोनिया कहते हैं और उनको इन बीमारियों के लिए इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है,
डॉक्टर नरेश जी, आमतौर पर हम साधारण भाषा में कहीं ना कहीं ये कहते रहते हैं और हमने आसपास में देखा हुआ है कि ज्यादा ठंड है और ठंड में ना जाइए, निमोनिया हो जाएगा। ये बिल्कुल एक साधारण भाषा में इस सेंटेंस को, इस वाक्य को जो है उपयोग किया जाता है, क्या संबंध है? दूसरा प्रश्न होगा कि सिम्टम्स इसके क्या हैं, शुरुआती सिम्टम्स क्या हैं, शुरुआती लक्षण क्या हैं निमोनिया के? बाहर मत जाइए निमोनिया हो जाएगा, तो उसको आम जुबान में निमोनिया ना कहा जाए, सिंपल फ्लू कहा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो हमें फ्लू टाइप जल्दी हो जाता है, जिसमें हमें जुकाम लग जाएगा, छींकें लग जाएंगी, हल्का बुखार आ जाएगा। निमोनिया, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इट इज ए वेरी बिग एंड वेरी सीवियर डिसीज, जिसमें बच्चे और बड़े, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं, लिस्टलेस्ट हो जाएंगे, चुपचाप सुस्त पड़ा है बच्चा, पानी पीना बंद कर देगा, खाना दूध पीना बंद कर देगा, पड़ा है चुपचाप, छाती चलनी बंद हो जाएगी या छाती ज्यादा चलना शुरू हो जाएगी। बूढ़ा पड़ा है तो बूढ़ा आदमी 75 साल का है, 76 साल का है, तो वो कुछ सिम्टम नहीं बताएगा, लेकिन जी खाना बंद हो गया, कुछ उठने का दिल नहीं करता, मैलेज हो जाएगा, तो ये बड़े जो इनके इनके जो तो डॉक्टर साहब, गर्मियों के मौसम के मुकाबले सर्दियों के मौसम में ज्यादा होने की संभावना है क्या? यस, यूजली सर्दियों में ज्यादा होता है, हालांकि कोई मौसम इम्यून नहीं है इन चीजों से, लेकिन सर्दियों में जगह ज्यादा होते हैं, वायरसेस जगह ज्यादा ग्रो करते हैं, ठंड के मौसम में तो जगह वायरल कंडीशन ज्यादा होती हैं। और प्लस, जैसे कि मैंने पहले कहा, जो बैक्टीरियल निमोनियाज हैं उनको ट्रीट करना इतना मुश्किल नहीं होता, ट्रीट उनको भी करना पड़ता है, लेकिन जो नए वायरसेस आते जा रहे हैं, पर्टिकुलरली जो COVID-19 आए थे उस दौरान काफी सारे वायरसेस आए थे, उसके अलावा जो अभी चाइना में H9N2 आया हुआ है, ये तो लेकिन ना इनकी ना तोड़ करना बड़ा मुश्किल होता है। पहले ये वायरल इन्फेक्शन होगा, फिर ये बिगड़ के बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाएगा, तो उससे उनको बहुत ही, इट हैज टू बी वेरी इंटेंसिव ट्रीटमेंट, यानी कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो, पेशेंट को प्रॉपर एंटीबायोटिक मिले, पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, पेशेंट को प्रॉपर ब्रोंकोडायलेटर, सांस खोलने की दवाइयां मिले, तब जाके 3-4 दिन बाद उसकी छाती थोड़ा साफ होनी शुरू होगी, जो एल्वियोलाई पहले से डैमेज हो गए हैं वो थोड़ा सा ठीक होंगे, तब पेशेंट को ठीक होना शुरू होगा। इट विल टेक एटलीस्ट 7 to 10 days और लिटिल मोर टू गेट वेल, प्लस प्रॉपर न्यूट्रिशन, चाहे वो आईवी एलिमेंटेशन हो, चाहे वो मुंह से खाना हो, ये साथ में न्यूट्रिशन मिलना बहुत ही जरूरी है। ठीक है डॉक्टर सलील जी, आपका फिर से एक बार रुक करना चाहूंगा। हालांकि निमोनिया तो काफी ज्यादा घातक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन भी घातक है, जानलेवा भी हो सकता है, तो जरा सा साधारण शब्दों में अगर समझने की कोशिश करेंगे कैसे ये जानलेवा हो सकता है और किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जिससे हम निमोनिया से जो है इस तरह की समस्या को अपने साथ ना ले आए, तो किस तरह की सावधानियां हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कितने डेंजर हो सकते हैं? शीतल जी, देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें समझना है कि 90% ऑफ ये निमोनियाज ट्रीटेबल होते हैं और सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, तो ये चीज सोचना कि जो है सब बड़े घातक होते हैं, ऐसा नहीं होता। सर्टेन कंडीशंस में ये घातक होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, डायबिटिक्स हो, आप काफी समय से हॉस्पिटल में एडमिटेड हो, तो जिसको हम वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं, वैप निमोनिया कहते हैं, आईसीयू सेटिंग्स वाले होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर अमूमन जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंट टू ड्रग्स होते हैं, इतने सारे एंटीबायोटिक्स चल रही होती है हॉस्पिटल में कि वो हो जाता है। फिर इनके साथ जैसे HIV अगर आपको है, तो जो उसमें निमोनिया होते हैं वो पर्टिकुलर टाइप के होते हैं और वो भी काफी घातक होते हैं। कई बार जो है ट्यूबरकुलोसिस आपको सिवियरली अफेक्ट करता है, एक्यूट निमोनिया की तरह भी अफेक्ट कर जाता है, तो ये वाले घातक होते हैं। जैसे कि ये बताए थे स्पेशली मैन मेड वायरसेस या मल्ड, वो वाले वायरसेस जो थे जैसे कि कोविड के वक्त हुए थे, तो ये वाले घातक होते हैं। सो ये एक आम तौर पर और एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में होते हैं, जैसे बहुत ही छोटा बच्चा हो या फिर ओल्ड एज से मोर देन 70-80 की एज हो, तब वो वाले घातक होते हैं। सर, सावधानियां अगर बरतनी है हमें घर पर रहकर, तो किस तरह से हमें सावधान रहना चाहिए? सावधानियों में पहली चीज तो ये है कि हमारी ये जो क्रॉनिक डिजीजेज है दे शुड बी कंट्रोल प्रॉपरली, पहला पॉइंट। दूसरी चीज जो हमारा ये है कि जैसे एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर, इसमें क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है या फिर वायरस ज्यादा सर्वाइव करते हैं या आप ज्यादा वो हो जाते हैं, स्पेशली अगर ठंडा गर्म हो, आपका टेम्परेचर चेंज बाहर का एनवायरनमेंट का बहुत तेजी से हो रहा हो, तो दैट इज द टाइम व्हेन द बॉडी इज नॉट एबल टू एडजस्ट एंड दैट इज द टाइम व्हेन वी गेट इन्फेक्टेड। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान रखना है।
सिमिलरली अगर हम निमोनिया कोई पेशेंट जिसको निमोनिया है उसके कॉन्टैक्ट में आए तो इट इज बेटर कि जो पेशेंट है अगर वो इतना एहतियात रखें कि आपको जो है मेनली निमोनिया जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, दैट मीन्स खांसते हुए ये सब करते हुए, तो मुंह पे हाथ रखे, खांसे, मास्क पहने, तो इन सब चीजों से जो है हम लोगों का इंसिडेंस कम हो सकता है। और तीसरा जो एस्पेक्ट है ओल्डर एज में वैक्सीनेशन। जी ठीक है, ठीक है डॉक्टर नरेश जी, वापस फिर से आपका रुख करना चाहूँगा। नरेश जी, डॉक्टर नरेश जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, खान पान, अगर खान पान की बात करें तो कितना ज़्यादा असरदायक हो सकता है इसके लिए, निमोनिया के लिए खासतौर पर, अगर खान पान सही ना हो तो क्या खान पान सही भी हमें कुछ ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जिससे कहीं निमोनिया जैसा खतरा पैदा ना हो? बहुत ही अच्छा सवाल है। अल्टीमेटली चाहे बच्चा हो चाहे ओल्ड एज हो, सबसे बड़ी जो मदद है हमें अपनी अंदरूनी ताकत से मिलती है, इसलिए एक प्रॉपर बैलेंस डाइट, छोटे बच्चे आजकल टॉफी चॉकलेट और जंक फूड पाके जिंदा रहना चाहते हैं, विच इज रॉन्ग, दे शुड बी एनकरेज टू टेक बैलेंस फूड जिसमें एग भी हो, जिसमें दाल सब्जी भी हो, जिसमें विटामिन के लिए कोई फ्रूट्स भी हो, ये सब मिलना चाहिए। ओल्ड एज मोस्टली उनकी हेल्थ बहुत ही कॉम्प्रोमाइज चल रही होती है, कॉम्प्रोमाइज को लेकर रोध होकर जिंदगी चल रही होती है। आपने देखा होगा COVID-19 के दौरान मरने वालों की संख्या 50-60 से ऊपर की बहुत ज्यादा थी, क्यों? उनके लाइफ कॉम्प्रोमाइज चल रहे हो। जैसे कि डॉक्टर गर्ग कह रहे थे, ऑल दोज पीपल जिनको कोई कनकमिटेंट डिसीज है, कोमॉर्बिड डिसीज है, वो हमेशा खतरे पे रहते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, इन लोगों को, प्लस आप जानते हैं कि हमारे देश में ओल्ड एज होम्स नहीं होते और फैमिलियां टूट रही हैं, तो काफी ओल्ड एज लोगों को अकेले जिंदगी काटनी पड़ रही है, तो उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा, ऑलवेज टेक ए हेल्प, एक प्रॉपर डाइट जिसमें कि समय पे खाना मिलना, अच्छा खाना मिलना, जिसमें हरी सब्जी और दाल मिलना, जिसमें फल मिलना, जिसमें प्रोटीन किसी भी फॉर्म में, पनीर की फॉर्म में या एग की फॉर्म में कुछ मिलना, ऐसा मिले बीमारी से पहले भी और बीमारी के बाद भी, तो ये दोनों चीजें बहुत ही जरूरी हैं। आपने देखा होगा वेस्टर्न वर्ल्ड में जो ओल्ड एज है वो लोग बड़े आराम से 90-95 100-105 तक आसानी से जी लेते हैं, हमारे देश में लाइफ स्पैन पहले से बड़ा तो जरूर है लेकिन आज भी 75 पे अटका हुआ है, तो उसको सुधारने के लिए ओल्ड एज में बकायदा हम तो कहेंगे बकायदा सरकार को कोई ना कोई ऐसा अभियान चलाना चाहिए जिससे कि ओल्ड एज में न्यूट्रिशन थोड़ा सुधार जा सके, कोई पेंशन दी जाए, कोई ओल्ड एज हेल्प दी जाए, हॉस्पिटल्स में तो ऐसा जरूर किया जाए। ठीक है, ठीक है डॉक्टर सलिल जी, आपके पास आऊँगा फिर से। डॉक्टर सलिल जी, एक सवाल है मेरे अंदर से, ये सवाल बार बार निकल रहा है कि जो फेफड़े में जो जिस तरह से निमोनिया असर करता है, क्या दोनों फेफड़ों पर बराबरी असर होता है या फिर पहले एक फेफड़े पर असर होता है उसके बाद दूसरे फेफड़े पर भी चांसेस हो सकते हैं निमोनिया का असर हो जाए? शीतल जी, ये बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा है और जैसे इसका आंसर काफी हद तक जो डॉक्टर चावला ने बोला था उसी से मैं कैरी करूंगा। देखिए, जब आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं और जब आपका जो है एक्सटेंस ऑफ एजेस होती हैं या ये होते हैं, तब हमेशा पाया जाता है कि जो आपका फेफड़े ज्यादा इफेक्ट होते हैं, दैट मीन ज्यादा एरियाज आपके लंग्स के इफेक्ट होते हैं, वहीं पे जब आप हेल्दी रहते हैं और यंग एज में रहते हैं तो बॉडी अपने आप लिमिट कर देती है टू पर्टिकुलर लोब्स, फिर कुछ बैक्टीरिया की ये वो रहती है एबिलिटी या बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि ज्यादा सेगमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, कुछ हैं जिनको ऑक्सीजन रिच चाहिए होता है या ऑक्सीजन कम चाहिए होती, तो वो लंग्स के पर्टिकुलर एरियाज को इस तरह से अफेक्ट करते हैं, बिकॉज लंग्स के भी जो सब एरियाज है वो इक्वली एरेटेड नहीं है, कोई ज्यादा एरेटेड है, कोई कम एरेटेड है, तो उस हिसाब से भी वो होता है। फिर पांचवी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सा निमोनिया, कौन सा हमें पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस से निमोनिया हो रहा है, क्योंकि इन सब के जो अपने प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जैसे ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया है तो वो जो है जनरली एपेक्स को करता है, यही स्यूडोमोनास वगैरह जो है अंदर मिडिल लोब्स और इन सबको इफेक्ट करता है, तो इस तरह से होता है कि आपके जो निमोनियाज होते हैं वो पर्टिकुलर एरियाज को इफेक्ट करते हैं, मतलब एट द सेम टाइम दोनों हार्ट में या जैसे आपने कहा कि पर्टिकुलर एरियाज को इफेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, इसमें इम्यून हमारी जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। जी जी बताइए सर।
इसमें हमारी जो है ना पर्टिकुलर अपनी इनेट इम्यूनिटी का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि इट इज समथिंग लाइक दिस कि जैसे कोई अगर आपके घर पे दुश्मन आ रहे हैं या वो अटैक कर रहे हो तो क्या होगा, आप उसको जो है एक पर्टिकुलर एरिया में अगर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अगर आप वो वीक है तो आपको ओवरवेल्म कर जाएगा, पूरा का पूरा निकालता हुआ चला जाएगा। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन एसोसिएशन विद द टाइप ऑफ बैक्टीरिया और वायरस और फंगस। ठीक है डॉक्टर नरेश जी, आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि उस समय मेरे पास बहुत कम है, मैं चाहूंगा बहुत जल्दी से आप उत्तर दीजिएगा। ट्रीटमेंट की बात करेंगे क्योंकि आखिर पे ट्रीटमेंट की बात करना भी बेहद जरूरी है डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप उस बारे में भी लोगों को अवेयर कीजिएगा कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट रहता है। पेशेंट अगर छोटा बच्चा है और उस काफी लिस्टलेस हो गया है, काफी मुंह से खाना पीना बंद कर दिया है, डिहाइड्रेट हो गया है, तो हॉस्पिटलाइजेशन बिकम्स ए मस्ट। उसमें आपको प्रॉपर रिहाइड्रेशन के लिए चाहे आईवी ड्रिप आईवी ग्लूकोज देना पड़ेगा, साथ में प्रॉपर एंटीबायोटिक, ऑक्सीजन और ब्रोंकोडायलेटर्स, ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो कि इससे आसानी से ठीक होता है। और पर्टिकुलरली एल्डरली पेशेंट है, अगर वो इतना खराब हो गया है कि हिल ही नहीं पा रहा अपनी जगह से, खा पी भी नहीं पा रहा, तो हॉस्पिटलाइजेशन। अदरवाइज मोस्टली पेशेंट्स को अगर वो ठीक ठीक है, इतने सीरियस नहीं हुए हैं, तो घर पे प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर फुल डोज एंटीबायोटिक्स, अगर सांस में तकलीफ है तो ऑक्सीजन, नहीं तो सिंपल ब्रोंकोडायलेटर्स और एक्सपेक्टोरेंट्स अगर दिए जाएं तो पेशेंट मोस्टली, और प्रॉपर न्यूट्रिशन, आई ऑलरेडी सेड न्यूट्रिशन का बहुत महत्व है, न्यूट्रिशन मिलना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा मिलेगा तो आई थिंक कोई फर्टेलिटी रेट यानी कि जो ही नहीं की मृत्यु होनी चाहिए, पेशेंट आसानी से बचाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर सलिल गर्ग जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए हमारे दर्शकों के लिए, जिस तरह से हम हेल्थ की बात में लगातार कुछ न कुछ और कोई कोई विषय जो है वो आपसे जुड़ा रखते ही हैं, और पूरी कोशिश करते हैं कि हर विषय जो हमारी बीमारी